नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अमरोहा में बहन जी की रैली हुई, जिसमें उन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। साथ ही इस बात का दावा किया कि तमाम माइनॉरिटी वोट इस बार उनकी तरफ जाने वाला है। इसी पर हम बातचीत करते हैं कि क्योंकि हमारे साथ खुद उम्मीदवार हैं, तो वो बताएंगे कि ऐसे कौन से समीकरण बदल गए हैं कि बसपा दावा कर रही है कि सारे वोट उनकी तरफ आने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर एक फिक्सिंग कर रहे थे। पिछले 6 महीने से मीडिया में एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा था, जिसमें एक साजिश थी कि एक समुदाय जो है वो समाजवादी के साथ इकट्ठा हो जाए, जिसकी वजह से दूसरा समुदाय जो है बीजेपी के साथ इकट्ठा हो जाए। एक गेम था राजनीतिक, जिस राजनीतिक गेम का भांडाफोड़ जो है वो माइनॉरिटी में मुस्लिम में हो गया आसानी से। मुसलमान जो है हमेशा अपने हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ इस भारत के अंदर भाईचारा चाहता है। वो समझ गया कि उसको एक साजिश का शिकार किया जा रहा है, और इस साजिश के शिकार में उसने तुरंत अपने आप को संभालते हुए अभी पिछले 10 से 12 दिन के अंदर बहुत तेज़ी से बीएसपी के प्रत्याशियों के प्रति तरफ अपना रुख किया है। इसका सर्वे आप कीजिए और देखिए कि समाजवादी पार्टी की ठगी, जो बीजेपी पार्टी से फिक्सिंग कर बनाने की कोशिश की जा रही थी कि एक समुदाय मेरा, एक समुदाय तेरा, यानी कि नफरत के आधार पर भारत की जनता के बीच बंटवारा करके फूट डाल के दोनों पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहती थी। जो आप दावा कर रहे हैं, हम जनता में पड़ताल जरूर करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो उनका रुख बदला है, या फिर 2019, 2017 और 2014 की तरह, खासकर 2012 की तरह भी अगर बसपा के लिए कहें तो उनके लिए रुख है खासकर माइनॉरिटी समाज के लोगों का। अभी क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दावेदारी बढ़ रही है बसपा की, क्योंकि पूरब में तो उस तरह से माहौल बनता नहीं दिख रहा है? देखिए, माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल दिखाने की नहीं, मीडिया के कैमरे अगर जनता के बीच जाएंगे तो देखेंगे बहन जी का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में है। 2007 से पहले भी बहन जी के बारे में इस तरह की बातें की जाती थी। 15 साल मौजूदा सत्ता चलाने वाले बीजेपी वाले घर बैठे रहे और अचंभित हुए उनके नतीजे आए। आप 2022 के नतीजों में बीएसपी को जब सरकार बनाते हुए देखेंगे तो आप खुद हैरत करेंगे। अभी ग्राउंड रिपोर्ट में पिछले 15 दिन की रिपोर्ट और जो पिछले 15 दिन से पहले की रिपोर्ट है, उसमें इतना ज़्यादा फर्क आ चुका है कि मेरी लोकसभा के अंदर अगर आप पांचों विधानसभाओं का, हमारी लोकसभा जो है इसमें पांचों विधानसभाओं का सर्वे करेंगे तो आप हैरत करेंगे कि पांचों की पांचों सीट पर बीएसपी की टक्कर है जिससे है। आपकी सीट पर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लगातार जीतती आ रही है, तो अचानक से क्या बदला हुआ लग रहा है? देखिए, मौजूदा एमएलए की जो 20 साल उन्होंने जनता को लूटा है, अपनी कोठियां बनाई हैं और अपने बच्चों के लिए पंप लगाए हैं, धन जमा किया है, वो धन के बाद जो और जो पिछले मुद्दे रहे हैं, बीजेपी ने जो टॉर्चर किया है खासकर मुसलमानों को, दलितों को, उस टॉर्चर पे वो चुप रहे हैं, घर से ही नहीं निकले हैं। लोग अक्सर ये चर्चा कहते हैं कि उन्होंने धन इतना नंबर दो का कमा लिया है कि अगर उन्हें एमएलए बनाने के बाद भी कोई फायदा पिछले 5 साल में यूं नहीं मिला कि जनता पिटती रही, वो घर में छुपे रहे। तो एक एंटी इनकम्बेंसी का एक विरोध है उनका, तो लोगों में इसलिए विरोध का जो ट्रान है वो हमारे साथ इसलिए है कि हम 10 साल से जनता के बीच में हैं और हमने यूथ पॉलिटिक्स पे काम किया है, हमने छात्र राजनीति पे काम किया है, हमने गरीब और जो आम जनता है कोरोना जैसे टाइम में ऑक्सीजन जैसी चीज़ों पर काम किया है, उनकी उनके खाने पीने की चीज़ों पर भी और उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता पे हमने काम किया है। जनता इसलिए हमें पसंद करती है और उनके विरोध में है। हम सबसे एक सवाल कर रहे हैं, आपसे भी करेंगे, क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं से अभी रैली स्थल पर भी हमने ये सवाल किया कि अक्सर आप शाम में देखिए तो टीवी चैनल पर खासकर एंकर कहते हैं कि 22 में बसपा कहाँ है, तो हम आए तमाम कार्यकर्ताओं से बात किए तो उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया। अब हम, क्योंकि आप खुद प्रत्याशी हैं, तो हम आपसे पूछते हैं कि 2022 के चुनाव में बसपा कहाँ है? देखिए, 2022 के चुनाव में बसपा जनता के दिलों में है और 2022 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने की निजीद है। जिस टीवी चैनलों की आप बात कर रहे हैं भाई, उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन खर्चों को मैनेज करने के लिए सब चीज़ें फिक्सिंग कर ली जाती हैं, एक एजेंडा होता है, एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत ये सब रचा जाता है। ग्राउंड रिपोर्ट इससे हटके है। बीएसपी हर हालात में उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बीजेपी से ऊपर है। इसमें आप उनके प्रत्याशियों का सर्वे लीजिए और सारे प्रत्याशियों में आपको खुद पता चलेगा कि जिस तरीके से बीएसपी के प्रत्याशी 300+ सीटों में आज की तारीख में
फाइट में है, जिनका मुकाबला है उनसे है, तो आप हैरत करेंगे कि बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति मतलब में। इस तरह की मीडिया पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप खुद के नाम के आगे भी पत्रकार लिखते हैं, क्या जुड़ाव है? इसलिए मैं मीडिया के बारे में ज्यादा जानता हूँ। मैंने एमए जर्नलिज्म की डिग्री ली है, दिल्ली में समय गुजारा है, बहुत सारे दोस्त हैं मीडिया में मेरे, तो मैं समझ रहा हूँ कि मीडिया का बिजनेसकरण हो गया है। मीडिया का जनता से कम और अपने बिजनेस से ज़्यादा वास्ता है। ये मीडिया लोकतंत्र वाला मीडिया कम दिखाई देता है, ये मीडिया जो है वो बिजनेस के लिए फिक्सिंग करने वाला मीडिया ज़्यादा दिखाई देता है। राजनीतिक नेताओं से इनका एक तालमेल बना है कि तू भी खा और हम भी खाएं और जनता को बेवकूफ़ बनाए। पत्रकार से नेता कैसे बन गए आप? देखिए, मैं वैसे तो राजनीति में और पत्रकारिता में खुद बहुत बढ़िया तालमेल है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। राजनीति के बिना पत्रकारिता अधूरी है, पत्रकारिता के बिना राजनीति अधूरी है। दिलचस्पी थी, ग्राउंड था, पब्लिक पसंद करती थी, पब्लिक ने हमेशा साथ दिया, समर्थन दिया, प्यार दिया, तो मैंने सोचा कि सेवा के लिए राजनीति पत्रकारिता में से हटके मैंने सोचा कि सेवा के लिए जनता के बीच अपने एक क्षेत्र को बनाकर, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक इंसान बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो मैंने इस विधानसभा को चुना और इसके बाद अगर जनता मुझे पसंद करेगी तो मैं धीरे धीरे अपनी राजनीति को बढ़ाऊंगा। लेकिन इस विधानसभा में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, गरीबों पे, नौजवानों पे मैं बहुत सारे नए सोच के साथ काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं राजनीति में आया। आपकी पार्टी इस सीट पर, बिल्कुल आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी इस सीट पर कभी दूसरे नंबर पर रहती है, कभी तीसरे नंबर पर, यहाँ तक कि चौथे नंबर पर भी आती है, तो अचानक से जीत का दावा कैसे? देखिए, अभी इस नए परिसीमन पर ये तीसरा चुनाव है। पिछले चुनाव में बसपा मात्र 8,000 से पीछे रह गई थी इन्हीं नेताजी के सामने, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डोमेस्टिक लेवल की थी, लेकिन अब उस 60,000 के अंदर हम कम से कम 30,000 प्लस करके 90,000 वोटों का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जब हम 90,000 लेंगे तो समाजवादी पार्टी को 40-45,000 वोट मिलेगा, 40-45,000 बीजेपी को मिलेगा, तब अन्य पार्टियों को मिलेगा। ये हमारा सर्वे जनता के आधार पर कहा जाता है। आप आम जनता में जाइए और आम जनता में, गरीब जनता के बीच जाकर इस सर्वे को आप हमारे वेरीफाई कर सकते हैं।